करते हैं बिग न्यूज की बड़ी खबर आपको सबसे पहले इस वक्त बता देते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मौसम किस तरह का है जेपी। और ग्राउंड जीरो से जब हम बुलेटिन कर रहे हैं तो ये खास अंदाज इसीलिए कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब बनी रहे। आप बड़ी खबर पहले बताते हैं। बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की जाए। हर महीने टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार होगी और इस टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार होने के बाद इन पर कार्रवाई करने की तैयारी भी हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश अधिकारियों को, हर जिलों में जो बड़े माफिया है उनकी सूची तैयार की जाए, हर महीने थाने में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो, अपराधियों की लिस्ट पर कार्रवाई की जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त जेपी। चलिए शुभम के पास चलते हैं। शुभम, सीएम योगी बिल्कुल अब एक्शन में नजर आ रहे हैं और खासकर उनकी अपराधियों पर नजर है कि अपराधियों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हो। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यकाल के अपने पहले दिन से ही पूरी तरह से एक्शन में हो, चाहे अपराधियों को लेकर के बात हो, भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो, उन तमाम मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं, जनहित से जुड़े हैं, उस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। ऐसे में अब जो भी अपराधी हैं उनकी सूची बनाने के लिए अधिकारियों को साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिस्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर आदेश और निर्देश जारी किए गए कि अपने अपने जिले के टॉप 10 माफिया जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनकी सूची तैयार करी जाए, जिसके बाद उनकी जो संपत्तियां हैं उनको चाहे बुलडोजर चलना हो, चाहे उनकी गिरफ्तारियां होनी हो, चाहे उनका एनकाउंटर करना हो, साफ तौर पर उनके जो भी इरादे हों उनको पूरी तरह से कुचलने का कदम उन अधिकारियों को उठाने के साफ तौर पर सख्त निर्देश हैं। बीते दिनों भी इसको लेकर के बैठक हुई थी अधिकारियों को, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि मुलाकात, बात और उसके बाद कार्यवाही, किसी भी तरह से पहले बातचीत करें और अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो उनके ऊपर साफ तौर पर कार्रवाई कर उनके इरादों को कुचला जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए। शुभम, और वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी शुभम हमें जानकारी दे रहे थे लखनऊ से कि किस तरह सीएम योगी अपराधियों को लेकर सख्त हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ी खबर। जी हाँ, अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं, हो सकता है कि आपने कल तक मुफ्त में सफर किया होगा, लेकिन अब आपको टोल देना पड़ेगा। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने के लिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सफर अब महंगा हो गया है। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 340 किलोमीटर के इस 6-लेन एक्सप्रेस पर आज से टोल टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि बीते 16 नवंबर से यातायात का संचालन हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। अब चार पहिया इससे बड़े वाहन से यात्रा करने वालों को 833 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो 25% की छूट के साथ अभी वास्तविक टोल टैक्स 625 रुपए देना होगा। हालांकि आपको बता दें कि 25% छूट जरूर रहेगी, तो यानी जो 833 तो आपको आगे देना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन आपको 25% तक इसमें छूट मिलेगी।